मैं चेक करती रहती हूँ। तो बाइक अभी भी इसके नाम पे ही है और इसके घर के एड्रेस पे ही अभी भी है। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ मेन बात। अब क्या हुआ कि थाने में मैं गई, फिर उसके ऊपर 406 का धारा, बाइक मुझे दे दो है ना, कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत रख लो। तुम अगर मुझे बाइक दोगे ना, मैं वीडियो बनाऊंगी कि मुझे बाइक मिल गया है। हो सकता है मोहल्ले वालों की नज़रों में तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाए। और यही कलयुग है आप लोग को मैं बता दूँ, यही कलयुग है जो सत्य के रास्ते पे चलता है। रास्ता बहुत कठिन होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मैं यहाँ पे नहीं बताती हूँ। उसके पीछे भी रीज़न है, क्यों? क्योंकि वो शातिर है ना, ऐसा आग गड़ा ऐसा देखता रहता है। अच्छा, अभी ये कर रही है। एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ये वीडियो सिर्फ मेरे पति के लिए बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरे पति तक पहुँचे। और मेरी वीडियो है लक्ष्मी नगर में, बहुत सारे लोग देखते हैं और उनको भी सच से वाकिफ होना चाहिए, सच पता चलना चाहिए। और क्योंकि देखो, वो तो मतलब मेरी वीडियो को कभी रिपोर्ट करने से कभी बाज नहीं आया, उसको रिपोर्ट मारना ही है, वो कंटिन्यू रिपोर्ट मार ही रहा है। तो उसने कल भी रिपोर्ट मारा है, हालांकि वो रिपोर्ट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी, नहीं होगी वीडियो डिलीट। मैं उसका मेरे को समाधान मिल चुका है, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो वीडियो डिलीट नहीं होगी, मैं अपने वीडियो को सेव कर लूँगी। दो वीडियो को कल उसने रिपोर्ट मारा हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने ये वीडियो क्यों बनाया और किस वजह से बनाया। जैसे आप लोगों को पता होगा, मैं बस थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगी, उसके पीछे रीज़न है। तो फिर काफ़ी लोग मुझे ये भी बोलेंगे आखिर में कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है, करके मिलना चाहिए, सबको मिलता है। क्योंकि मैंने जब भी शेयर किया था, आपको अब तक क्यों नहीं मिला, आपको मिलना चाहिए करके। चलिए, अब मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ। बात ये है, अब मैं आप लोग को बता रही हूँ मेन बात। अब क्या हुआ कि थाने में मैं गई, फिर उसके ऊपर 406 का धारा लगा, 416 का धारा लगा, लगा सब धारा लगा कि मेरा सामान लेके फरार हो गया। लेकिन मैंने कहा ना, इसने भी सेम चीज़ें कोर्ट में लगाई, क्यों? क्योंकि उसके पास थाने में किया गया वो था, रिपोर्ट का प्रति कॉपी था कि मेरी बीवी घर का पूरा सामान लेके भाग गई है। तो मैंने अर्जी डाले हुए आज 2 साल हो गया कि मुझे सामान चाहिए करके, अब तक मुझे घर का सामान नहीं मिला है। अब तक क्यों नहीं मिला है? क्योंकि उसने भी सेम चीज दिया है कि मैं लेके भाग गई, और मैंने दिया है कि वो लेके भाग गया है। अब दोनों का चीज सेम हो गया है, या तो मुझे नहीं मिलेगा अगर वो जीतता है तो मुझे नहीं मिलेगा, अगर मैं जीती तो। लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं है कि मैं लेके आई हूं, लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि वो लेके भाग गया है। मेरे पास पूरे खाली घर का वीडियो है, जब मैं एंटर कर रही थी, मतलब क्या हुआ कि घर में जब पूरा ताला लगा हुआ था ना, जब मैं ताला का खोल के अंदर घुसी तो घर पूरा खाली, और जैसे ही मैं हॉल रूम में गई, मैं तुरंत कैमरा चालू की करके पूरा घर का हर जगह का वीडियो बनाया। वो वीडियो मेरी बहन के लैपटॉप में रखा हुआ है, ये सबूत है मेरे पास। ऐसे नहीं कि मैंने ये सबूत दिया नहीं है, ये क्या कर रहा है, गवाही पे गवाही, मतलब ये इतना गवाही पेश कर रहा है, इतना गवाही पेश कर रहा है, उतना उतना गवाही कोई मतलब जिसका 1000 क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा होगा ना, वो भी पेश नहीं करता, वो इतना गवाही पेश कर रहा है, बताइए। अब मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में क्यों बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ। तो ये वीडियो मैं तेरे लिए बनाई हूँ, तेरे अंदर अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है, या फिर अगर तू अपनी माँ बाप का ही बच्चा है, अगर तू सच में, अगर तू तेरा दिल तो अच्छा नहीं है, वो मुझे भी पता है। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत कहीं पर भी बची हुई हो ना, तुम लोग मुझे तो मेरा फर्नीचर दोगे नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, एक भी नहीं दोगे। फिर ज्वेलरी तो तुम लोग और नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारी माँ ऑलरेडी मेरा ज्वेलरी मांग मांग के पूरा ले चुकी है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पापा ने कभी दिया नहीं ना, तो उसको लगा चलो इससे ले लेती हूँ, ले ली है। उसके बाद एक चीज़ बचता है, बाइक। मेरे पापा ने तुम्हें 1.5 लाख की बाइक दी थी, वो बाइक मुझे वापस कर दो। वो 1.5 लाख की बाइक थी, अगर मैं आज बेचूंगी, 1 लाख ही कम मिले, कम से कम 50,000 तो मुझे मिलेगा ना, 50,000 उसका इंजन, जो उसका बॉडी पार्ट्स वगैरह रहता है, वो तो बेच के मेरे को कम से कम मिलेगा 50,000। तो मुझे मेरी बाइक चाहिए, मुझे बाइक दे दो, मुझे मेरी बाइक चाहिए, सीधी बात है। थोड़ी सी भी अगर शर्म हया लज्जा बचा हुआ है। और एक चीज मैं बता रही हूँ कि मैंने वो एक होता है ना, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो कि बाइक इसके नाम पे है कि नहीं है, या फिर कहीं सोल्ड आउट हो चुका है, किसी ने खरीदा इसके पास से। तो बाइक अभी भी इसके पास वैसे ही रखी हुई, इसने किसी को बेचा नहीं है, क्योंकि मैं हर 10 दिन में 15 दिन में चेक करती रहती हूँ।
तो बाइक अभी भी इसके नाम पे ही है और इसके घर के एड्रेस पे ही अभी भी है। तो बाइक इसने सोल्ड आउट नहीं किया है, बाइक या तो इसके घर में रखा होगा या तो ये बाइक कहीं पर रखा होगा छुपा के, या फिर इसने बेचा नहीं होगा, है ना, वो बाइक किसी को चलाने के लिए दिया होगा, कुछ तो किया होगा क्योंकि इसने अपना नया बुलेट खरीदा है। ये मेरे पापा का बाइक नहीं चला रहे, रखा हुआ है, ये अपना नया बुलेट खरीदा है, वो बुलेट चलाता है, बुलेट से हर जगह आता जाता है, इसीलिए मुझे मेरा, जब तुम बुलेट चलाते हो, मेरे पापा का बाइक नहीं चलाते हो, तो मेरे पापा का बाइक दे दो मुझे। और तुमको इतना ही दूसरे का बाइक, दूसरे का पैसा रखने का शौक है, तो तुम्हारे पापा को बोलो तुमको सेम बाइक खरीद के दे दे, फिर तुम उसको गैरेज में डाल के रख दो। लेकिन मेरे पापा के मेहनत का पैसा का कर तुमको दिया हुआ बाइक पूरा दो मुझे, मुझे पूरा सामान दे दो, मैं ऊपर में बस गद्दे में सोती हूँ, नीचे सोती हूँ बेटी को लेके। मैं, मेरे पापा मम्मी भी यहाँ पे भी आएंगे, ये लोग नीचे बेड में उन लोगों को सुलाती हूँ, मैं ऊपर में नीचे सोती हूँ बच्चा को लेके। मुझे मेरा घर का पूरा फर्नीचर दो और मुझे मेरा बाइक दे दो, मुझे मेरा बाइक बेचना है और उससे जो पैसे होंगे मेरे पास मैं सीधे अपने पापा को भेजूंगी। अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके ट्रीटमेंट के लिए मेरे को पैसे की जरूरत है सीधा। ये मेरे दिमाग में अभी सोचते सोचते मैं सोच रही थी कि मैं पैसा कहाँ, एक होता ना कि अगर इंसान को पैसे की नीड रहती तो ना इंसान सोचता रहता कहाँ से पैसा इकट्ठा करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे पापा ने तो इसको सब चीजें भर भर के दी है ना, तो बाइक भी है। फिर मैंने तुरंत क्या किया, ऑनलाइन गई, ऑनलाइन जाके फिर मैं नंबर वंबर डाल, तो देखिए बीबी बाइक इसी के पास रखा, इसी के नाम से बीबी बाइक रखा है, इसने सेल नहीं किया। तुम जब तुम लोग पड़े पड़े खराब हो जाएगी, बट मेरा बाइक मुझे दे दो। पूरे मोहल्ले वाले तुम लोग पर थू थू कर रहे हैं, एक तो बेचारी बीवी को छोड़ दिया, बेचारी बच्ची को छोड़ दिया, तुम लोग देखते देखते नहीं हो, पैसा वैसा कुछ देते नहीं हो, तो कम से कम उसके पापा का दिया हुआ सामान तो तुम लोग लौटा दो। अपना क्या इज्जत तुम लोग रखे हो मोहल्ले में बताओ, सब शेम करते हैं, सब थू थू करते हैं कि कितना लालची परिवार है बताओ, कितना कंजूस परिवार है, कंजूस भी है लालची भी है। बेचारी के पापा का दिया हुआ शादी का पूरा सामान ये लोग रख चुके हैं। वैसे तुम लोग को तो फर्क भी नहीं पड़ता, कोई तुम लोग को खराब बोले, कोई तुम लोग को इंसल्ट करे, कोई तुम लोग को कंजूस बोले, बेशरम बोले, थू थू कर, तुम लोग को शर्म नहीं पड़ता। उसके लिए इंसानियत होना जरूरी है, इंसान में शर्म होना जरूरी है। लेकिन दे दो वो सारी चीजें, ये एकदम भी अच्छी बात नहीं है कि कोई इस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और एक चीज है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी लाइफ में अभी प्रॉब्लम टेंशन चल रहा है, फिर भी वो मेरे वीडियो में, पता है कौन से वाले में रिपोर्ट मारा, मैं हैदराबाद गई थी ना, हैदराबाद वाले वीडियो में उसने रिपोर्ट मारा है। खैर मैं उसको सॉल्यूशन निकाल चुकी हूँ, मैं किसी यूट्यूबर से बात की थी, उन्होंने मुझे उसको सॉल्यूशन दिया है, तो उसने रिपोर्ट मारा मगर वो वीडियो डिलीट नहीं होगी, वो वीडियो सेफ हो जाएगी। और रही बात हैदराबाद, मैं अभी तो नहीं जाऊँगी, पापा का वापसी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर मैं हैदराबाद जाऊंगी, तो उस वक्त जाके, उस वक्त मैं पक्का ऑफिस में जाने वाली, इस बार तो मैं ऑफिस में जा नहीं पाई क्योंकि मेरी टिकट हो चुकी थी और रिशु को बहुत फीवर था। आप लोग अगर मेरे ब्लॉग्स देखे हो तो रिशु को बहुत फीवर था, रिशु को फीवर के वजह से ही मैं जा नहीं पाई, नहीं तो मैं चली जाती। और वो ऐसा है कि मम्मी बहन पापा के साथ हॉस्पिटल में थे और रिशु को तेज फीवर है, उसको कौन देखेगा, और फीवर में मैं उसको ऑफिस में लेके भी नहीं जा सकती। काफी ये भी कमेंट था, बोल तो बस अब जाती हूँ, अब करती हूँ, आप लोग को थोड़ी पता है कि मैं क्या की हूँ, मैं क्या नहीं की हूँ। और अगर मैं ऑफिस गई भी हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मैं यहाँ पे नहीं बताती हूँ, उसके पीछे भी रीजन है। क्यों? क्योंकि वो शातिर है ना, ऐसा आग गड़ा ऐसा देखता रहता है, अच्छा अभी ये कर रही है, अच्छा अभी ये कर रही है, अच्छा वो करेगी फिर मैं ये करूंगा। इसलिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को चुप चुप के करनी पड़ती है, मैं यूट्यूब में नहीं दिखाती हूँ, नहीं तो उसका कान नाक गला सब खड़ा हो जाता है, अब कैसे मैं इसको डिस्ट्रॉय करूँ, कैसे मैं इसको बर्बाद करूँ। इसलिए मेरे पास सॉल्यूशन है, अब रिपोर्ट का सॉल्यूशन है मेरे पास, तो उसको मैं ठीक कर लूंगी। एंड देन अब जैसे मैं जाऊंगी वहां पे हैदराबाद, तो अच्छा ये भी कमेंट किया था कि मैं जाऊंगी तो मुझे भगा देंगे हैदराबाद ऑफिस में। क्यों भगाएंगे भाई मुझे हैदराबाद ऑफिस से? मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास खुद की पर्सनल आईडी है, मेरा चैनल है, तो क्यों भगाएंगे मुझे वहां से? अजीब सी बात है। मेरी सब्सक्राइबर है, मैंने उनको वहां पे भेजा था
कि आप जाएगा तो उसे पूछ पाछ के आना कैसे क्या होता है। क्या मैं आपसे बता देती हूँ कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता है, क्योंकि मैं आ नहीं पा रही, बेटी को फीवर है। चली गई, उसको घुसने भी दे दी, उसको तो कोई चैनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो घुसी भी वहां से पूछ पाछ के बात बात करके फिर वापस आ गई वो। तो ये तुम्हारे मन की गंदगी है, और बोलते ना कि जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है, ये तुम्हारे मन की गंदगी है। गंदा चीज करोगे तो गंदा चीज सोचोगे, तो गंदा चीज बोलोगे, बस यही है। बाकी बाइक वापस कर देना, ठीक है? थोड़ा से भी शर्म हया अगर बचा है, क्योंकि मोहल्ले में तो निकलने लायक तुम लोग बचे नहीं हो। जो इंसान अपने बीवी बच्चों को मार के भगा देता है, अपनी घर की बेटी को मार के भगा देते हैं, और ऊपर से बेटी को मार के भगाते, बेटी का 8 लाख रख लेते हैं, बीवी बच्चों को घर से भगाते हैं, बीवी का दहेज का सामान रख लेते हैं, पता नहीं ऐसे लोग ही फल फूल रहे हैं, पता है? ऐसे लोग ही खा पी के बढ़िया है, फल फूल रहे हैं, इनको कुछ बीमारी भी नहीं होती, इनको कुछ प्रकोप भी नहीं लगता, भले चंगे मजे से रह रहे हैं। और यही कलयुग है, आप लोगों को मैं बता दूं, यही कलयुग है। जो सत्य के रास्ते पे चलता है, रास्ता बहुत कठिन होता है, जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है, अच्छे काम कर रहा है, वो इतना स्ट्रगल फेस कर रहा है लाइफ में। बहुत से ऐसे यूट्यूबर है जो फेक वीडियो बनाते हैं, है ना, झूठ झूठ वीडियो बनाते हैं, फेक कंटेंट बनाते हैं, और लोगों को उनके ऊपर सिंपैथी भी आ जाती है, लोग उनके ऊपर सिंपैथी भी रखते हैं, अरे ऐसा करके, और उनके देखो व्यूज, देखो कैसे कैसे व्यूज जाते हैं, अच्छे व्यूज जाते हैं, महीने का अच्छा लाखों कमा रहे हैं बस फेक वीडियोस पे। और जो सच का वीडियो डालते हैं, ओरिजिनल चीजें डालते हैं, उनके वीडियो में व्यूज ही नहीं आते, वायरल भी नहीं होती है। कलयुग है बाबा, कलयुग है। कल मैं एक तो पॉडकास्ट देख रही थी, जिसमें बहुत सी चीजें मुझे पता चला, कलयुग में झूठ 90% है और सच 10% है। और जो झूठ बोल रहा है, जो ये कर वो कर, वही खुशी से मजे से रह रहा है, उसी की लाइफ में सब चीजें अच्छी हो रही है। जो सत्य के राह पर चल रहा है, उसके जीवन दुखदायी है। कली का जन्म हो चुका है, और कली उड़ीसा के कहीं पर जन्म हुआ है, और कलयुग का अंत हो जाएगा। जब 25-26 में बहुत सी चीजें इंडिया में होने वाली है, बहुत सी चीजें, बाढ़ आएगा, प्रलय आएगा, फिर जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, वो भी होने की संभावना है। 26 के आसपास क्या बोलते हैं, उड़ीसा का आधा हिस्सा में डूब जाएगा। मतलब क्या चल रहा है, मैं खुद उस चीज को ना समझ पा रही हूँ। अभी आप लोग सोचो, इंडिया में डिवोर्स का केस कितना बढ़ गया, कभी सोच के देखे हो? आज से 10 साल पहले मैं कभी सुनती नहीं थी, अच्छा अमुक का डिवोर्स हुआ, तो सुनाई में भी नहीं आता था। हर किसी के मुंह में डिवोर्स। अब कुछ तो 10 साल में डिवोर्स का रेशियो कितना बढ़ चुका है। आज से 5 साल पहले भी डिवोर्स का रेशियो 1% था, अब 5 साल में डिवोर्स का रेशियो 22% बढ़ चुका है। पता नहीं आगे आने वाले 5 साल में और क्या होने वाला है। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। बस इतना मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, मेरा बाइक मुझे दे दो, है ना, कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत रख लो। तुम अगर मुझे बाइक दोगे ना, मैं वीडियो बनाऊँगी कि मुझे बाइक मिल गया है। हो सकता है मोहल्ले वालों की नज़रों में तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाए, तुम लोग को थोड़ा सा अच्छा बोले, चलो ठीक है, बेचारी को पैसे की ज़रूरत है पापा के इलाज के लिए, तो चलो उन्होंने बाइक दे दी, कम से कम उससे उसको कुछ राहत मिलेगा। इतना प्लीज़ इतना ज़रूर कर देना, तुम्हारी कुछ इज्जत भी बन जाएगी और मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे।